देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में, क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो तब तक, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। इसी साइज और इतनी बड़ी चालाक, छोटे साइज की चीज़ ही बड़े बड़े काम करती है। क्या सोनम करीर है फिल्म पे रीथिक? क्या अब माधुरी की जगह लेंगी जूही? क्यों फिल्म से हट गए आर्यन खान? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। आजकल हिंदी सिनेमा जगत में एक नाम जो काफी लैमलाइट में आ रहा है और वो है अनिल कपूर। जी हाँ, और वो भी क्यों ना, आखिर अनिल कपूर इस साल की दो सबसे बड़ी फिल्मों में कास्ट है, जो है कि मिस्टर इंडिया 2 और बेटे 2, और दोनों ही फिल्में हैं इनकी सुपरहिट फिल्मों का रीमेक। यानी कि एक बार फिर से अनिल अपना जलवा बिखेरने वापस आ रहे हैं सिल्वर स्क्रीन पर, और अब पहले से भी ज्यादा एनर्जी के साथ वापस आने वाले हैं। ऑल दो एक दुख की बात ये है कि फिल्म तो वापस आएगी लेकिन फिल्म की अदाकाराएं वापस नहीं आएगी। जी हाँ, यानी फीमेल लीड रिप्लेस होंगी दोनों ही फिल्मों में। हालांकि फिल्म बेटा 2 में माधुरी की होने की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि माधुरी ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सोनम को इस फिल्म का ऑफर गया था और वो भी उनके पापा अनिल कपूर के कहने पे, लेकिन सोनम ने इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया है। अनिल कपूर ने फिर भी हार नहीं मानी और वो अभी भी लगे हैं सोनम को कन्विंस करने में। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि अब सोनम एक बार फिर से सोच रही है फिल्म को लेकर, और उनके लिए ये एक बड़ा मौका भी हो सकता है वापसी करने का। तो देखना ये होगा कि क्या सोनम इस मौके को लेती है या नहीं। फिल्म बेटा 2 को रिजेक्ट कर चुकी है माधुरी दीक्षित, इस बात से तो आप वाकिफ हैं ही। और अब आप ये भी जान लीजिए कि कौन हो सकता है इसका रिप्लेसमेंट। जी हाँ, यानी कि फिल्म में अब माधुरी की जगह लेने वाली है जूही चावला। माधुरी को इतना कन्विंस करने के बाद भी जब वो नहीं मानी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए, तो अब फाइनली मेकर्स ने डिसीजन लिया है उन्हें रिप्लेस करने का। जी हाँ, यानी कि फिल्म के लिए जब जूही को अप्रोच किया गया तो उन्होंने इस पे काफी सोचने के बाद इस फिल्म के लिए हामी भरी। तो इन दोनों को साथ देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिल्म बेटा 2 को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है अब ये न्यूज जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जी हाँ, तो खबर ऐसी थी कि इस फिल्म में आर्यन खान बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खबरों की माने तो आर्यन खान अब दिलजले 2 में असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि अब वो अपने पापा शाहरुख के लिए किसी आने वाले प्रोजेक्ट के लिए हायर किए जा चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि आर्यन अब असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद ऑन स्क्रीन डेब्यू करने को तैयार होंगे? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।